हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं मटन फैट बनाने वाली हूँ, मटन का मैं आज चर्बी बनाने वाली हूँ। तो न्यू ईयर का पार्टी में आप मटन फैट बनाइए, खाइए और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए इधर हम 300 ग्राम मटन फैट ले लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं, धो लिए, अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। चलिए अब कढ़ाई के पास चलिए। चलिए देखिए हम कढ़ाई के पास आ गए हैं। इसमें हम एक गिलास के करीब पानी डाले हैं, इसमें आधी चम्मच हम नमक डाले हैं फ्रेंड्स। इसमें हमको मटन का जो हम चर्बी लिए हैं वो उनको हम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इसे उबालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छी तरह से घुल जाएगा। ज़्यादा नहीं उबालना फ्रेंड्स, बस 3 मिनट तक ही उबालना, नहीं तो जो चर्बी का जो तेल जो है वो निकल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए अच्छी तरह से खोल चुका है, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो इसका पूरा चर्बी निकल जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं अच्छी तरह से उबल चुका है। चलिए अब प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने थाली में निकाल लिए हैं। चलिए अब मसालों की तरफ चलते हैं, हम क्या सब मसाले लेते हैं। देखिए एकदम बड़ा साइज का हम एक प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्च है, 1 टमाटर लिए हैं, 1 गांठ हम लहसुन लिए हैं और खड़ा गरम मसाला लिए हैं। चलिए अब मिक्सी का जार लाते हैं। देखिए मिक्सी का जार में हम भर लिए हैं। अब जो हरी मिर्च है उन्हें भी डाल देंगे, अब टमाटर भी लिए हैं उनको भी डाल के। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम पीस के लाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स हम फाइन पेस्ट बना लिए हैं। चलिए अब कढ़ाई के पास चलते हैं। कढ़ाई में 4 चम्मच के करीब हम सरसों तेल डाल चुके हैं, तेल भी गर्म हो गया। इसमें 2 से 3 तेज़पत्ता डाल रहे हैं, इसे भी अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गया है। अब जो पेस्ट बना के रखे हैं मसालों का वो हम डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से इसे भूनेंगे फ्रेंड्स। लगभग ये भी लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे, लो ताव में ही इसे भूनना है। ज़्यादा ताव में भूनिएगा तो मसाला जल जाएगा, तो लो ताव में ही इसे भूनना है। चलिए इसे 2 मिनट के बाद हम देखते हैं, जो तब तक इसका प्याज का जो मसालों का पानी सूख जाएगा, उसके बाद इसमें मसाला डालना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अच्छी तरह से पानी सूख चुका है। इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, इसमें आधी चम्मच हम लेंगे मिर्च पाउडर। हम पहले भी हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा जितना आप तीखा खाते हैं उसी अनुसार से कम ज़्यादा मिर्च दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आधे चम्मच लगभग 2 से 3 चुटकी के करीब काली मिर्च लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें आधे चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, सबको मिला लेते हैं। चलिए पका लेते हैं, अभी बोले 8 मिनट के लिए, इसे कम लो ताव में इसे भून लेते हैं। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, पहले हम डाल चुके हैं। चलिए हम भून लेते हैं, चलिए भून के लाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स भुना गया अच्छी तरह से मसाला, तो आप लोगों को भी इस तरह से भून लेना है। चलिए अब ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही, लगभग आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। इसे उबाल लेंगे अच्छी तरह से। चलिए उबालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स उबल चुका है। अब जो मटन फैट रखे हैं उनको रस में डाल देंगे, मटन फैट इसमें डाल के मिला लेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिला के इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनके तैयार है, गैस को ऑफ कर लेते हैं। देखिए गैस को ऑफ कर लिए हैं। चलिए अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल के इसे भी मिला लेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स इस तरह से, जिनको मटन फैट पसंद है तो इस तरह से बनाइए खाइए। हम अपने तरीका से बताए हैं, सब अलग अलग तरीका से बनाते हैं। हम जैसे घर में बनाते हैं उस तरह से आप लोगों को बना के दिखाए हैं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बना के, देखिएगा एक बार। चलिए प्लेट में निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्लेट में हम निकाल लिए हैं। चलिए हम तो चले खाने, आप भी बनाइए खाइए।